दोस्तों, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि अभी के टाइम पर 50x 100x कॉइन्स को फाइंड कर रहे हैं इस बुल सिन के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक का देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर को लेकर डिस्कस करने लगा हूँ। दोस्तों, अभी के टाइम पर मार्केट उस ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पर बिटकॉइन अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, एंड बिटकॉइन का ये कंसोलिडेशन मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ज़्यादातर लोग इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि बिटकॉइन अपने नए ऑल टाइम हाई के कितना करीब है। अब यहाँ पर ना मार्केट के अंदर अक्सर इस टाइम पर हमें इमोशंस देखने मिलते हैं जहाँ पर लोग अपने इमोशंस के साथ प्ले करते हैं। अब जैसे बिटकॉइन यहाँ से 5,000 पंपिंग लेगा, $1,000 करेक्ट होगा, यहाँ पर लोगों के इमोशंस प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं कि बिटकॉइन ने करेक्शन क्यों लिया। ध्यान रखो, बिटकॉइन का करेक्शन आना ज़रूरी है, एंड बिटकॉइन $1,000, $2,000, $5,000 के करेक्शन बुल सीजन के अंदर अक्सर लेता है। एंड अभी हम उस फेज़ में आ चुके हैं जहाँ पर अभी से हमने 2 हफ्ते पहले चैनल पे वीडियो किया था, जब भी बिटकॉइन अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के नीचे कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन के बाद जब भी हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है, तो ब्रेकआउट का ये वो टाइम रहता है जहाँ पर इथेरियम ऑल्टकॉइन मार्केट कैप अपनी प्रीवियस ऑल टाइम हाई को रीच करते हैं। अभी के टाइम पर एक तरफ जहाँ पर बिटकॉइन अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को रीच कर चुका है, सेम टाइम के अंदर अगर हम इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से 20-30% नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सेम टाइम के अंदर अगर हम ऑल्टकॉइन मार्केट कैप की बात करते हैं, तो ऑल्टकॉइन मार्केट कैप भी दोस्तों यहाँ पर 30-40% नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है अपने प्रीवियस साइकिल के ऑल टाइम हाई से। सो यहाँ पर हमें जो गैप देखने मिल रहा है इथेरियम एंड ऑल्टकॉइन मार्केट कैप के अंदर, ये गैप उस टाइम पर फिल होता है जिस टाइम पर बिटकॉइन प्रीवियस ऑल टाइम हाई के नीचे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करता है। सो अपने लिए यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी के टाइम पर ये समझना इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो लोग अभी के टाइम पर 50-100x कॉइन्स को फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर हमें केयरफुल रहना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? दोस्तों, अगर आप लास्ट 1 ईयर से मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है, तो आप इस बुल सिन के अंदर अपनी मनी को 50-100x के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बट द मेन क्वेश्चन इज, क्या आपने यहाँ पर लास्ट ईयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया या नहीं? अभी के टाइम पर फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम AI कॉइन्स की बात करते हैं, जो कि लास्ट 1 साल के अंदर 20-30-50x तक यहाँ पर रैली कर चुके हैं। अब जो अर्ली इन्वेस्टर है यहाँ पर AI कॉइन्स के, जिन्होंने 2023 के अंदर इन्वेस्ट किया, वो इस पोजिशन के अंदर अपनी मनी को 50-100x इवन इससे भी ज़्यादा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जो कॉइन यहाँ पर 50x कर चुके हैं, 30x कर चुके हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर, अगर अभी के टाइम पर आप उनके अंदर ये सोचकर एंट्री करते हैं कि फर्दर यहाँ पर ये आपको 100x का रिटर्न बनाकर दे देंगे, तो आई डोंट थिंक कि आप मार्केट के अंदर कभी भी प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम पर मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, राइट? अभी हम यहाँ पर प्रीवियस ऑल टाइम हाई के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, आने वाले महीनों के अंदर बिटकॉइन अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ हमें नज़र आ सकता है। अब यहाँ पर ऐसे सिचुएशन के अंदर जब इन्वेस्टर्स का माइंडसेट रहता है कि हमें 50-100x कॉइन को फाइंड करना है, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप देख रहे हैं लास्ट 1-2 महीनों के अंदर मार्केट में काफ़ी नए मीम कॉइन आए हैं, जिन मीम कॉइन में से कुछ ऐसे मीम कॉइन हैं जिन्होंने 2-3 दिनों के अंदर ही 1000x 10,000x 1,00,000x के यहाँ पर रिटर्न बना कर दिए हैं। एंड जितने भी आप ये रिटर्न देखते हैं ना कि इतने कम टाइम के अंदर इतना ज़्यादा रिटर्न बना कर दिया, अक्सर उन प्रोजेक्ट के अंदर इनसाइडर का पैसा रहता है। अक्सर उन कॉइन्स के अंदर हमें तब पंपिंग देखने मिलती है जब यहाँ पर कॉइन्स को जिसने डिप्लॉय किया, जब वही उसको यहाँ पर पंपिंग करना स्टार्ट करे। तो एक सामान्य इन्वेस्टर यहाँ पर ऐसे कॉइन्स में कभी भी सही टाइम पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अक्सर मैं देखता हूँ कमेंट्स के अंदर कि अभी 2 दिन पहले ही मीम कॉइन आया, ये 1000x हो चुका है, तो हमें 2 दिन पहले इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। दोस्तों, किसी को भी नहीं पता लगता क्योंकि यहाँ पर इनसाइडर्स प्ले करते हैं, एंड एक सामान्य इन्वेस्टर कभी भी नहीं जान पाएगा कि मार्केट के अंदर कैसे यहाँ पर हम सही टाइम पर एंट्री लेंगे, राइट? सो जितने भी कॉइन्स यहाँ पर अभी 1000x 100x कर रहे हैं ना, तो इन सबको देखकर एक सामान्य इन्वेस्टर के मन में क्या सवाल आता है कि यार इतने कॉइन्स मार्केट के अंदर जो 1500x इतने कम टाइम के अंदर कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पर इस बुल सिन के अंदर अपनी मनी को 1500x कर सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों पॉसिबल है, आप अपनी मनी को बुल सिन के अंदर क्रिप्टो मार्केट में 1500x इवन इससे भी ज़्यादा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से मैं आपसे वही क्वेश्चन करूँगा कि क्या आपके मार्केट के अंदर टाइमिंग सही है या नहीं। अगर आपने सही टाइम पर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, तो आप अपनी मनी को 1500x कर सकते हैं। लेकिन अभी का ये वो टाइम है जहाँ पर इन्वेस्टर्स 1500x को फाइंड करने के चक्कर में जो वो 10-20x का गेन बना सकते हैं, उसे भी मिस कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स का माइंडसेट क्या रहता है कि हम यहाँ पर 1500x कॉइन्स को फाइंड करें। फॉर एन एग्जाम्पल, एक ऐसा पर्सन जिसको 1500x का प्रॉफिट करना है, उसने किसी लोकैप कॉइन को फाइंड किया, उसमें $1,000 अपना इन्वेस्ट किया, और आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपको मार्केट एक बार के अंदर ही 1500x का प्रॉफिट बनाकर दे देगा? अगर वो कॉइन यहाँ पर 10-20-50% भी गिरा, तो वो इन्वेस्टर उस कॉइन से एग्जिट कर जाएगा। हो सकता है कि जिससे एग्जिट किया वो आने वाले 2-3 महीनों के अंदर कॉइन 50x कर जाए। इस बारे में कोई नहीं जानता कौन सा प्रोजेक्ट नेक्स्ट 1500x का प्रोजेक्ट हो सकता है। तो अक्सर जो प्रोजेक्ट 1500x करते हैं, उनके अंदर आप नोटिस करोगे कि मार्केट पहले उनको शेक करता है, उन कॉइन्स के अंदर हमें 40-50 इवन 90% तक के भी डिक्लाइन देखने मिल जाते हैं, क्योंकि
उन कॉइन्स के अंदर केवल और केवल विल्स एंड फाउंडर्स का पैसा रहता है, एंड विल्स फाउंडर्स हमेशा चाहते हैं कि हम पहले सबको पैनिक करें एंड देन उस कॉइन को इतना पंप करें कि मार्केट के अंदर फोमो ट्रिगर हो, एंड जब मार्केट में फोमो ट्रिगर होगा तो हर कोई व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा और वो सबसे बेस्ट टाइम रहता है फाउंडर्स एंड वेल्स के लिए उन्हें एग्जिट लिक्विडिटी बनाना। वेल गाइस, अभी के टाइम पर हम ऐसे फेज में चल रहे हैं जहां पर हमें 50-100x के ऊपर फोकस ना करके, क्योंकि अगर आप 50-100x के ऊपर फोकस करने लग जाएंगे तो आप 10-20x वाले प्रोजेक्ट को मिस कर देंगे। क्योंकि अगर आपको कोई 10-20x का प्रॉफिट भी मिलता है या फिर अगर कोई प्रोजेक्ट भी मिलता है तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका माइंड सेट यहाँ पर है 50-100x को लेकर। तो ध्यान रखें, अगर आप 10-20x प्रॉफिट के कॉइन्स को अभी टाइम पर फाइंड करते हैं तो आने वाले 6-7 महीनों के अंदर हम मेजर वैल्यूएशन मार्केट के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। और एक बार अगर आप अपनी मनी को 10-20x के अंदर कर लेते हैं उसके बाद आप कंपाउंड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी कॉइन में इन्वेस्ट किया, वहाँ पर आपने 10x प्रॉफिट किया, अब उस 10x प्रॉफिट को अगर आप किसी सेफ कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आप अपनी मनी को 20x कर सकते हैं। आपने 10x मनी को इन्वेस्ट किया, वहाँ पर आपने 2x प्रॉफिट किया, तो ओवरऑल आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20x का स्ट्रेट प्रॉफिट किया। अब यहाँ पर अभी के टाइम पर जितने स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को आप मार्केट के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं एक्यूमुलेट करते रहिए, ये मैटर नहीं करता कि यहाँ से हमें 10% का ओल्ड कॉइन्स में करेक्शन मिलता है, 20% का करेक्शन मिलता है, क्योंकि जब तक बिटकॉइन अपने प्रीवियस ओल्ड टाइम हाई के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है ये मार्केट के हमें बुलिश सेंटीमेंट के बारे में बताता है। लेकिन हमेशा की तरह एट द एंड ज़्यादातर इन्वेस्टर इस बात को तब समझेंगे जब मार्केट यहाँ पर ओल्ड टाइम हाई को लगा चुके होंगे। सो अभी के टाइम पर दोस्तों मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर जो आप 100-200x के गेंस को लेकर अभी कॉइन्स को फाइंड कर रहे हैं, डेफिनेटली आप कॉइन्स को देखें उनके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन 100-200x के चक्कर में आप 10-20-30x कॉइन्स को मिस मत करें, क्योंकि अभी के टाइम पर भी काफ़ी से ओल्ड कॉइन्स हैं जिनके अंदर मेजर वैल्यूएशन इस सीजन के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर पाना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब मार्केट अपना टॉप लगाते हैं तो आपको कभी भी एग्जिट करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जब मार्केट अपना पैराबोलिक रन स्टार्ट करते हैं आपको हर तरफ कॉइन्स के अंदर पैराबोलिक रन देखने मिलता है, सभी कॉइन्स आपको पंपिंग लेते हुए नजर आते हैं। सबसे हार्ड टाइम है क्रिप्टो मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बुक करना। प्रॉफिट तो आप बना सकते हैं, अपनी मनी को 10-20-50-100x में कर सकते हैं, बट द मेन क्वेश्चन इज कि आप सही टाइम पर अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं या फिर नहीं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताएगा दोस्तों। बाकी आप हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर ज्वाइन रहेगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।